नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों आज हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी के व्रत के बारे में। संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। एक वर्ष में कुल 12 संकष्टी चतुर्थी पड़ती है और मल मास या अधिक मास में इनकी संख्या बढ़कर 13 हो जाती है। दोस्तों संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत जीवन की समस्त समस्याओं के नाश के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत किया जाता है और रात्रि में चंद्रोदय होने पर चांद की भी पूजा की जाती है। मंगलवार को आने वाली संकष्टी चतुर्थी को अंगारकी चतुर्थी कहा जाता है। यह सभी चतुर्थियों में सबसे शुभ मानी जाती है। दोस्तों संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं और साथ ही नवग्रहों की शांति भी होती है, जिससे जीवन में शुभता आती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र बुरे प्रभाव दे रहा है तो यह व्रत करने से चंद्र की अनुकूलता प्राप्त होती है। यह व्रत जीवन साथी की स्वस्थता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। पुरुष और स्त्री दोनों इस व्रत को समान रूप से कर सकते हैं। दोस्तों संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति भी होती है। अगर आप भी संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो ये व्रत आपको अवश्य रखना चाहिए। और दोस्तों किसी भी व्रत का उचित फल तभी प्राप्त होता है जब वह विधि पूर्वक किया जाए। इस व्रत की विधि क्या है ये आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, पर आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपकी सारी समस्याओं का हल हमारे वीडियोज के माध्यम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत कुल 13 संकष्टी चतुर्थी करना चाहिए, तभी इनका एक चक्र पूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में इस व्रत को सर्व बाधा निवारण व्रत भी कहा जाता है। 13 चतुर्थी पूर्ण होने पर इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस व्रत को करने की विधि क्या है, इस व्रत को कैसे किया जाता है। दोस्तों यदि आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, संकष्टी चतुर्थी के व्रत में पूजा दो बार की जाती है, एक तो मध्यान्ह में और दूसरा रात्रि के समय चंद्रोदय होने। अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजन विधि क्या है। दोस्तों संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरा वस्त्र धारण करें और भगवान को प्रणाम करके हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि हे प्रभु, आज से लेकर आगे आने वाले कुल 13 संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने का मैं संकल्प करता हूँ या करती हूँ, आप हमारे सर पर अपना हाथ सदैव बनाए रखना, ऐसा बोलकर संकल्प छोड़ें। इसके बाद मध्यान्ह में घर के ईशान कोण में एक चौकी स्थापित करें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद आसन पर बैठ जाएं और पूजा करना शुरू करिए। सबसे पहले भगवान के ऊपर गंगा जल छिड़किए या भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं, तत्पश्चात जल से शुद्धोदक स्नान कराएं। इसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करें और साथ में हल्दी लगा हुआ जनेऊ और रोली चढ़ाएं। तत्पश्चात भगवान का चंदन, हल्दी, कुमकुम और अच्छे से तिलक करें। इसके बाद भगवान को फूल और फल चढ़ाएं। दोस्तों गणेश भगवान की पूजा में दुर्वा का विशेष महत्व होता है, अतः उन्हें दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद लौंग, इलायची और मिश्री का पान का बीड़ा अर्पित करें। तत्पश्चात घी के दीपक और सुगंध से भगवान की आरती करें और प्रभु को भोग लगाएं। फिर आसन पर बैठकर संकष्टी चतुर्थी की कथा पढ़ें या सुनें। दोस्तों किसी भी पूजा या व्रत में कथा का विशेष महत्व होता है, बिना कथा के पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, अतः कथा अवश्य पढ़ना चाहिए। कथा पढ़ने के बाद भगवान से क्षमा याचना जरूर करें कि हे प्रभु, यदि आपके पूजा और व्रत करने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करिए। आचमनी में जल लेकर जिस आसन पर बैठकर आपने पूजा की है उसे तृप्त करें और नमन करें। फिर आसन मोड़कर उठें, तत्पश्चात अपने घर वालों को प्रसाद का वितरण करें। दोस्तों संकष्टी चतुर्थी में सूर्यास्त के समय एक बार फिर भगवान गणेश की पूजा की जाती है और फिर रात्रि में चंद्र दर्शन करके चांद की भी पूजा की जाती है और व्रत खोला जाता है। दोस्तों सभी गृहस्थ को जीवन में कम से कम एक बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन में कोई बाधा नहीं आती, सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। दोस्तों किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत का संकल्प लेकर इसे पूर्ण करना चाहिए, इससे कामना अवश्य पूरी होती है। भगवान श्री गणेश की कृपा से सिद्धि, बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को पूर्ण करने से मनुष्य में स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये तो थी संकष्टी चतुर्थी के व्रत की पूजन विधि। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और आगे के वीडियोज को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते।